एवरीवन, आज हम बात करेंगे मेथी फेनुग्रीक के बारे में। मेथी का कई रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इसको होल सीड के रूप में, पूरे का पूरा सीड जो होता है वो कंज्यूम करते हैं। कई लोग सब्जी बनाकर प्रयोग करते हैं, मेथी के लड्डू बनाकर प्रयोग किए जाते हैं। कई लोग स्प्राउट्स करके इसको थोड़ा जर्मिनेट करके फिर इस्तेमाल करते हैं। मेथी खाने का सही तरीका क्या है, कितनी मात्रा में खानी चाहिए, कितने दिनों तक खानी चाहिए, किन लोगों को नहीं खानी चाहिए, किन को खानी चाहिए, ये सारी जानकारियाँ लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियाँ चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोज के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम मेथी की बात करते हैं तो यह शरीर में कफ और वात को दूर करती है। बढ़े हुए कफ और वात दोष को दूर करने में सहायक है और यह शरीर में पित्त को बढ़ाती है। इसलिए जो पित्तज प्रकृति के हैं, गर्म तासीर जिनकी होती है, उन लोगों को इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। एक टीस्पून मेथी के अंदर 35 कैलोरीज होती है। 1 ग्राम तक इसमें कार्ब्स होते हैं, 3 ग्राम फाइबर, 3 ग्राम प्रोटीन्स और 1 ग्राम फैट मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, कॉपर और बहुत सारे अन्य भी जो तत्व होते हैं काफी मात्रा में मौजूद होते हैं। जिस प्रकार एलोवेरा में और फ्लैक्स सीड, अलसी के सीड्स के अंदर जो एक जेल मौजूद होता है, वैसा ही मेथी में भी मौजूद होता है। इसको कुछ देर तक हम भिगोते हैं तो उसके बाद ये जेलनुमा बन जाती है जो कि हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। मेथी को भिगोने के बाद इसके अंदर फाइबर कंटेंट काफी बढ़ जाता है। अगर हम उसको भिगो लेते हैं, रात को पानी में भिगो देते हैं, सुबह देखते हैं वो जेलनुमा हो जाती है और मेथी के दाने का साइज भी अपने साइज से 4 गुना बढ़ जाता है। उसके बाद उस पानी को पी लिया जाता है और जो वो दाने होते हैं उनको चबाकर अगर अच्छे से खाया जाता है, वो पूरा सलाइवा के साथ हमारे मुंह में लार के साथ मिल जाता है, तो वो हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे हाजमे के लिए काफ़ी अच्छा है। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए मेथी का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। इससे एपेटाइट, हमारी भूख भी कम होती है और पेट भी भरा हुआ लगता है। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, ऐसे स्वस्थ लोगों के लिए रात को 1 चम्मच जो मेथी दाने का है वो पानी में भिगो दें, सुबह वो पानी है पी लिया जाए और वो जो नीचे के सीड्स बचते हैं उनको अगर लिया जाता है, खाने के अंदर चबाकर लिया जाता है, तो उससे देखा जाता है जो हमारी भूख है वो कंट्रोल में आती है और धीरे धीरे इस प्रयोग से वजन भी कम होना शुरू होता है। लगातार 2 महीने आप इसका इस्तेमाल करें, उसके बाद 15-20 दिन का गैप करें। हाँ, जिनकी पित्तज प्रकृति है, शरीर की तासीर गर्म है, उनको थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहिए। भिगो कर लेने से मेथी की जो तासीर होती है वो ज़्यादा गर्म नहीं रहती और वो नुकसान कम करता है। पित्तज प्रकृति के लोग सिर्फ इसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वात और कफ प्रकृति के जो लोग हैं वो मेथी दाने को भी, अगर भिगोई हुई मेथी दाना है उसको चबाकर खाते हैं तो वह फायदेमंद है। मेथी शुगर के रोगियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, कोई वो मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो अपना मेथी दाने का पाउडर वो रात को जो है सोते समय पानी में भिगोकर सुबह चबाकर वो मेथी दाना ले लिया जाए और साथ में अपना ब्लड शुगर लेवल है वो रेगुलर इंटरवल्स पे अगर आप चेक करवाते रहें तो धीरे धीरे जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। मेथी लीवर के लिए भी बहुत अच्छा टॉनिक होता है। यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और जो बड़ा हुआ जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को कंट्रोल में करता है। लीवर के अंदर ये बाइल के सिक्रीशन को बढ़ा देता है जिस कारण कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक होता है। शरीर में बड़े हुए टॉक्सिन्स को यह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिस कारण जिनको कब्ज रहती है या अन्य भी बॉडी में टॉक्सिन्स जिनके ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो यह अपने शरीर से उनको निकाल देता है। इम्यूनिटी के लिए भी काफी अच्छा है, बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, वायरस बैक्टीरियाज के अटैक को कम करता है। जिनको कोल्ड कफ रहता है, कफ और वात के लिए तो यह वैसे ही बहुत अच्छा है, तो जिनको खांसी, जुखाम, नजले की दिक्कत बार बार होती है, इम्यूनिटी बूस्टर भी साथ में होने के कारण खांसी जुखाम की दिक्कत में यह काफी कारगर है। हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए भी मेथी का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद रहता है। यह बालों की हेल्थ के लिए,
उनके बाल झड़ते हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसको दही के अंदर मेथी दाने के पाउडर को ग्राइंड करके लगाया जाता है, बालों में शाइन आती है, काले होते हैं और बाल झड़ने की समस्या भी कम होती है। जिनको एक्ने पिंपल्स रहते हैं उसके अंदर इसका फेस पैक प्रयोग करना भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा खाने में भी अगर मेथी का इस्तेमाल किया जाता है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस जो मोस्टली प्यूबर्टी में 12-13 साल की एज में स्टार्ट होते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो इसका फेस पैक और साथ में खाने में भी अगर मेथी दाने का प्रयोग किया जाता है तो एक्ने पिंपल्स की समस्या भी कम होती है। मेथी दाना एक बहुत अच्छा पेन रिलीवर का काम करता है, नेचुरली बॉडी से पेन को दूर करता है। जिनको जोड़ों में दर्द है, गठिया की समस्या है, ऐसे में अगर मेथी दाने का डेली इस्तेमाल किया जाता है तो नेचुरल पेन किलर का काम करता है, दर्दों में काफ़ी फायदा होता है। सर्दियों में तो अक्सर देखा जाता है महिलाएं इसके लड्डू बनाकर खाती हैं, उससे दर्दों में भी राहत मिलती है और शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा मेथी दाने का तेल भी बनाया जाता है, सरसों या तिल का तेल, दोनों में से कोई एक तेल ले लें, उसके अंदर 100 मिलीलीटर जो तेल है उसके अंदर अगर 10 ग्राम मेथी दाने के पाउडर को पका लिया जाता है, साथ में थोड़ा सा लहसुन और अजवाइन भी मिला लें, या 5 ग्राम अजवाइन और 3-4 कली लहसुन की वो पकाकर जला लिया जाता है, छानकर वो तेल जो है अगर मसाज के लिए, मालिश के लिए जोड़ों के दर्दों में प्रयोग किया जाता है तो उससे नेचुरल पेन किलर यह काम करता है। मेथी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है जिस कारण यह बॉडी के अंदर से सारे टॉक्सिन्स को निकाल देता है। इसलिए मेथी दाने का अगर तेल हम इस्तेमाल करते हैं मालिश के अंदर तो ये पूरे दर्दों को खींच लेता है, शरीर में जमा टॉक्सिन्स को निकाल देता है। यह एक ऐसी औषधि है जो कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी उतनी ही इफेक्टिव है। जिन पुरुषों के अंदर स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है उनका कम रहता है, लिबिडो कम है, तो उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाए, मेथी दाने का इस्तेमाल किया जाए, काफ़ी फायदा देता है। महिलाओं के अंदर भी जिनको PCOD की दिक्कत है, PCOS की दिक्कत है, या जिनका एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, उनके लिए यह बहुत फ़ायदेमंद है। डिलीवरी के बाद महिलाओं में दूध कमाने की समस्या होती है, इसीलिए मेथी दाने का इस्तेमाल डिलीवरी के बाद करवाया जाता है, क्योंकि यह दूध के प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसीलिए डिलीवरी के बाद महिलाओं को जो है मेथी दाने के लड्डू दिए जाते हैं। जिनको पीरियड इरेगुलर है या जिनको पीरियड्स के टाइम दर्द ज़्यादा रहता है, मेनोपॉज की दिक्कत है, महिलाओं के जब मेंसेज बंद हो जाते हैं, एकदम से हॉट फ्लशेज, उनको एकदम से गर्मी लगती है, पसीना आता है और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, तो मेनोपॉज के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में भी मेथी दाने का अगर रेगुलर इस्तेमाल किया जाए, 2-3 महीने तक 1 चम्मच पानी में भिगो कर इस्तेमाल किया जाए, काफ़ी कारगर है। जिन महिलाओं का सी सेक्शन हुआ है, सिजेरियन हुआ है, उसके बाद भी रिकवरी के लिए मेथी दाने के लड्डू का अगर इस्तेमाल किया जाता है काफी कारगर है। मेथी दाने को लेने का सही तरीका क्या है? बेस्ट तरीका तो रहता है इसको सोक करके लिया जाए, पानी में भिगो लें, उसके बाद इसको लिया जाए। बाकी ताजी मेथी है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सब्जी के रूप में या पराठे आदि में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी रोटियों में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इसको रोस्ट करके पाउडर बनाकर लेते हैं, उससे थोड़ा शरीर में गर्मी हो सकती है, इसलिए बेटर रहता है कि आप इसको पानी के अंदर सोक करके फिर आप इसका प्रयोग करें। कुछ लोग मेथी दाने को स्प्राउट्स करके इस्तेमाल करते हैं, इसको आप पानी के अंदर गीले कपड़े में कुछ टाइम तक भिगो के रखते हैं, 10-15 घंटे भिगोया जाता है तो इसके अंदर स्प्राउट्स बन जाते हैं, उसके बाद आप मेथी दाने के स्प्राउट्स का भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाने को गर्म करने से इसके कई कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, इसके कई विटामिन खत्म हो जाते हैं, इसलिए मेथी के पानी को गर्म करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डिलीवरी के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आखिरी के 9वें महीने के आखिरी दिन कुछ चल रहे हो उस समय भी लिया जा सकता है, या डिलीवरी के बाद तो यह पूर्णतः सेफ रहता है। जो लोग ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या हाई बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं उनको भी कम इस्तेमाल करना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह कर लेनी जरूरी रहती है।
मेथी दाने का आप लगातार 5 ग्राम तक की मात्रा में एक स्वस्थ व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। 1.5-2 महीना प्रयोग करने के बाद में आप 15-20 दिन का गैप जरूर दें, उसके बाद दोबारा इसको शुरू कर सकते हैं। मेथी दाने के ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हाँ, थोड़ा बहुत हेडेक एंजाइटी हो सकती है। अगर गर्मियों का मौसम है, आपकी पित्त प्रकृति है, आपको इसका कम इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर वात कफ प्रकृति है फिर आप ले सकते हैं, सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है मेथी दाने से संबंधित यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच पाएँ। इस संबंध में कोई आपकी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।